हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू एंड मेरा नाम है कुश पांडे। आपका स्वागत है हमारे खास शो में जहां पर हम आज फिर से लगातार फोकस कर रहे हैं उन सारे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस पर जो कि चाहे एग्ज़ाम SBI का हो, SSC का हो, UPSC का हो, हर एग्ज़ाम में वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सो हाथ जोड़कर आप सबका नमस्कार एंड चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एंड ले चलते हैं आपको सबसे पहले ऑन आर मॉर्निंग मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, यू विल फाइंड अ वे, इफ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर आप कोई रास्ता नहीं निकालते हैं तो आप एक बहाना निकाल लेते हैं। तो इट इज़ अप टू यू टू फाइंड एन एक्सक्यूज फॉर लाइफ और फाइंड अ सोल्यूशन फॉर लाइफ। सो विद दीज लाइन्स लेट्स स्टार्ट द शो गाइस। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इसका जो PDF है वो आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में एंड दैट विल बी अवेलेबल व्हेन दिस शो गेट ओवर। तो वो स्क्रीन पे आपके सामने इमेज आ भी जाएगा एंड यहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड टू ऑल द पीपल हु आर आर टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स, टेलीग्राम पे भी मिलेगा एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मिलेगा। तो चलिए शुरू करें एंड दिखा दें अब आपको हमारी आज की पहली इमेज जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए आपके सामने यहाँ पर दो लोग हैं, ऑलराइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, वन सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव टू पीपल। वन वी हैव मिस्टर रामनाथ कोविंद जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं। देन ये जो आपके सामने ये व्यक्ति हैं इनका नाम है प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स, दैट इज़ डैनी एंटोइन, ये इनका नाम है। एंड देन वी हैव द वन एंड द ओनली नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ। सो सेशेल्स एंड इंडिया दे हैव डिस्कशंस एंड जो सेशेल्स के आपके राष्ट्रपति हैं ही इज़ ऑन अ विजिट टू इंडिया एंड मोदी हैज़ अनाउंस, मिस्टर मोदी हैज़ अनाउंस सेवरल इनिशिएटिव्स फॉर सच द कंट फॉर सेशेल्स। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये सेक्शन है जहाँ पर $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट को भी यहाँ पर दिया गया है। अ लाइन ऑफ क्रेडिट इज़ अ फंडिंग, सॉरी, लाइन ऑफ क्रेडिट इज़ बेसिकली अ चैनल ऑफ फंडिंग इन विच एनी कंपनी विच इज़ अंडर दिस अग्रीमेंट कैन बोरो फंड्स अप टू द लिमिट। सो अगर सेशल्स चाहे तो वो $100 मिलियन तक का फंड ले सकती है वाया दी लाइन ऑफ क्रेडिट। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डिस्कस ऑन द अजम्पशन आइलैंड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट में इंडिया इन्वेस्ट करेगा एंड इसको लेकर भी दे आर प्रिटी सीरियस। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जिनमें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ये पहला पार्ट एंड सेकंड जो है वो है आपका अजम्पशन इनलैंड। ये दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी यहाँ पर जो कि अगैन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो सेशल्स के जो प्रेजेंट आए हैं ही इज़ ऑन अ विजिट टू इंडिया एंड ये दो चीज़ें यहाँ पर वो करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज पर जो कि ये रही आपके सामने जहाँ आप देख सकते हैं। इंडिया एंड सेशल्स विल इंश्योर म्यूचुअली बेनिफिशियल स्टेप्स रिगार्डिंग अ स्टॉल प्लान फॉर अ मिलिट्री बेस एट द आइलैंड ऑफ अजम्पशन। तो देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर वो क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली दे आर ट्राइंग टू सेट अप एंड मिलिट्री बेस एट द आइलैंड ऑफ अजम्पशन, ये करने जा रहे हैं। एंड सेकेंड $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट है। सिमिलरली यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि जो हमारी सरकार है दैट विल ऑल्सो गिव देम अ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, उनको एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर दिया जा रहा है। सिमिलरली ये जो एयरक्राफ्ट होगा इट विल पार्टिसिपेट इन द नेशनल डे ऑफ सेशल्स, ऑल राइट। अगर हम यहाँ पर बात करें तो द कैपिटल ऑफ सेशल्स इज़ विक्टोरिया। द करंट प्रेजिडेंट जो कि विजिट पे इंडिया के उनका नाम है डैनी फोरे एंड द करेंसी इज़ बेसिकली सेशलॉय रुपी जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रहे होंगे एंड दैट इज़ द मैप एंड उस मैप पे आप देख सकते हैं कि जो सेशल्स आपका देश है उसके पड़ोसी हैं कोमोरोस जो कि एक छोटा सा आइलैंड है। देन वी हैव मेडागास्कर एंड तंजानिया और कीनिया के पास भी है। सो बेसिकली यू कैन डिसाइफर कि आपका जो ये कंट्री है इट इज़ इन बेसिकली अफ्रीका, ऑलराइट। एक सवाल आ रहा है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का, देखिए उसको आप गूगल कर लीजिएगा। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट बेसिकली इज़ एन इंडियन मिलिट्री बेस्ड एयरक्राफ्ट जिसका इस्तेमाल होगा इन द मिलिट्री ऑफ सेशल्स
सेशल्स उसके लिए इंडिया ने उसको गिफ्ट किया है टू सेशल्स। तो यहाँ पर याद रखिएगा रुपी करेंसी है, कैपिटल आपका विक्टोरिया है एंड द प्रेसिडेंट इज डैनी फोरे। आई होप दिस हेडलाइन इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। अगर क्लियर है एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा यस सर, यस सर इट इज़ क्लियर, ताकि हम अपनी अगली खबर पर चल सकें। प्लीज़ टाइप इन यस सर इट इज़ क्लियर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने हमारा द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस, जो कि अब आपके सामने कुछ देर में आ जाएगा और ये यहाँ पर हैंग करना शुरू कर दिए हैं। ओके वन सेकेंड। तो दोस्तों ये थी हमारी फर्स्ट हेडलाइन जो कि आपके सामने यहाँ पर मेंशन थी, ऑलराइट, जहाँ पर कि हमने फोकस किया था ऑन इंडिया सेशल्स, उनकी बात हमने यहाँ पर कही थी। वन सेकेंड। ओके ओके इट सीम देयर इज अ प्रॉब्लम विथ द कैम्पटीशिया। ओके सो वन सेकेंड। ओके सो लेट्स हैव द हेडलाइन गाइस। इन प्रिंसिपल नॉट फॉर मेट्रो इन आगरा, कानपुर, मेरठ, भोपाल एंड इंदौर। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है स्पेशली तीन शहरों को, जिसमें आपका आगरा है, देन वी हैव कानपुर है, मेरठ है, भोपाल है, इंदौर है। इन जो आपकी सिटीज़ हैं इनको इन प्रिंसिपल मिला है। सिमिलरली जो दिल्ली मेट्रो का फेज़ फोर है वहाँ पर भी अप्रूवल दिया गया है। सो द फाइनेंस मिनिस्ट्री बेसिकली इट हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर मेट्रो रेल इन आगरा, कानपुर, मेरठ, भोपाल एंड इंदौर। और यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि साथ ही साथ जो दिल्ली मेरठ का फेज़ फोर है उसके लिए भी अप्रूवल यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट इट विल इन्वेस्ट अराउंड 43,800 करोड़ इन दीज मेट्रो स्टेशन एंड उसके बाद ही वो आगे जाकर यहाँ पर काम करेगा। सो आइए दिखा दें अब आपको इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर। The Finance Ministry has given in principle approval for metro according to senior officials of the ministry, जो कि आपके सामने यहाँ दिया भी हुआ है, ऑल राइट। एंड यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो सिटीज़ हैं उनके नाम है आगरा, मेरठ, ओके, देन वी हैव भोपाल, इंदौर, ये आपके सिटीज़ हैं और इनमें कहा गया है और ऐसा कहा गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। साथ ही साथ जो फेज़ फोर है दिल्ली मेट्रो का, जो कि मेरठ के साइड भी जाएगा एंड काफ़ी एक्सपैंड करेगा, उसको भी यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट को मार्क करिएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस इट्स डिसीजन टू स्टार्ट मेट्रो सर्विसेज इन आगरा, कानपुर एंड मेरठ बाय 2024 एट अ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 43,800 करोड़। 43,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा इन सिटीज़ में और ऐसा ऑलरेडी जनवरी में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कह चुका है। तो बहुत ही सिंपल सी खबर है दोस्तों कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है फॉर आगरा, कानपुर, मेरठ, भोपाल एंड इंदौर, इन सिटीज़ के लिए अप्रूवल मिला है अलॉन्ग विथ द दिल्ली मेट्रो एक्सपेंशन। ज़रा वापस स्क्रीन पे आ जाएं और एक बार ज़रा हम लैपटॉप को चेक भी कर लें ताकि हम इसको और अच्छे से कर पाएँ। ओके यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि दो हेडलाइंस हो गई हैं। पहली हेडलाइंस थी इंटरनेशनल हेडलाइन विच फोकस्ड ऑन सेशल्स एंड इंडिया एंड सेकेंड हेडलाइन फोकस्ड ऑन अ स्टेट न्यूज़ और नेशनल न्यूज़ विच फोकस्ड ऑन दी ऑन दी मेट्रो सिटी, जो कि आपके सामने यहाँ पर मैंशन भी किया गया है। तो चलिए दिखाते हैं आपको अब हमारी नेक्स्ट इमेज, जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर, ऑल राइट, ये रही सीएम लॉर्ड्स पंचायत स्वच्छ रेजोल्यूशन। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बेसिकली यहाँ पर जो मुद्दे की बात वो ये है कि सिरसा एक शहर है आपका हरियाणा में एंड वहाँ का एक गाँव है उसका नाम है गोदीकन। Now that village is adopting a resolution to marry off their girls only to those households where there are toilets. तो बहुत ही एक interesting खबर यहाँ पर दोस्तों है। अच्छा एक सवाल आ रहा है, इन प्रिंसिपल मतलब प्राइमरी, पहला अप्रूवल मिला है, इन प्रिंसिपल मतलब होता है प्राइमरी अप्रूवल, ऑल राइट। अच्छा तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने पंचायत जो है स्पेशली गोदीकन विलेज की इन सिरसा उसको अपलोड किया, द रीज़न वाई बिकॉज इट विल मैरी ऑफ देयर गर्ल्स ओनली टू दोज हाउसेज और हाउस होल्ड वेयर देर आर टॉयलेट। मतलब जो मूवी थी टॉयलेट एक प्रेम कथा उस पर ही आपका बेस है एंड उसके लिए बेसिकली ये किया गया है कि वहाँ जो विलेज है आपका उसमें ये काम आपका बेसिकली किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ और नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ आपको याद रखना है कि जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट है उसने अपलोड किया है एक गांव को, उसने तारीफ किया है, उसका गांव का नाम है द गोदीकन विलेज, जो कि आपका सिरसा में आपका पाया गया है, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए मैंने आपसे कहा था कि येस वी विल ट्राई टू इंक्लूड द स्टैटिक अवेयरनेस, वो हम कल से इंक्लूड कर देंगे. कल से स्टार्टिंग विद अरुणाचल प्रदेश हम स्टैटिक को आगे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे. ओके कोई यहाँ पर डाउट? देखिए सेकंड पेज पे आपकी एक खबर है तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा. एक सवाल आ रहा है फ्रॉम राहुल साहू, गवर्नर कौन है हरियाणा की, ज़रा बता दे कमेंट सेक्शन में हु इज़ द गवर्नर ऑफ हरियाणा. तब तक हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर जो कि ये रही अब आपके सामने. देखिए नाम लिखा हुआ है NIIF जिसका फुल फॉर्म है, मार्क कर दीजिएगा, लिखा हुआ पहली लाइन में द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड. ये बेसिकली इस फंड का नाम है, द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड, एंड इट इज़ लुकिंग टू अनवेल अ 2 बिलियन लॉन्ग टर्म फंड टू फाइनेंस मेगा प्रोजेक्ट्स, और इनको वो फंडिंग यहाँ पर करेगा. मेरे को ज़रा हटा दो पूरी स्क्रीन को तब मैं तब दिख पाएगा नीचे. देखिए ऑलरेडी दो फंड्स हैं, पहला है आपका द NIIF मास्टर फंड एंड दूसरा जो आपका है वो है आपका द फंड ऑफ फंड्स. ये दोनों ही आपके इन्वेस्ट करते हैं एंड अब आपका एक थर्ड फंड भी बनेगा जिसमें इन्वेस्टमेंट होगा आपका करीब 2 बिलियन यूएस डॉलर्स का. और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं द NIIF MD एंड CEO मिस्टर सुजॉय बोस जो कि आपके सामने यहां पर दिया भी हुआ है. दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इस फंड का नाम है NIIF. नंबर वन. नंबर टू, बेसिकली इट इज अ फंड ऑफ फंड्स, नंबर टू. एंड नंबर थ्री, अब इसके तीन फंड होंगे एंड तीसरे फंड के लिए जरा मार्क कर दीजिएगा नंबर 2 बिलियन यूएस डॉलर्स को निवेश किया जाएगा. एंड जो कि मैं नहीं कह रहा, जो कह रहे हैं आपके NIIF के MD CEO जिनका नाम है मिस्टर सुजॉय बोस जो कि ऑलरेडी आपके सामने यहां पर मेंशन किया भी गया है. तो चलिए जरा वापस स्क्रीन पे आते हैं. दोस्तों यहां पर अपार्ट फ्रॉम द हेडलाइन आपको देखना पड़ेगा कि बेसिकली आपका जो NIIF है वो है क्या और साथ ही साथ कितनी फंडिंग आपकी की गई है. एक सवाल आ रहा है फ्रॉम देवश्री चौहान, सर व्हाट इज़ फंड ऑफ फंड? अ फंड विच इन्वेस्ट इन स्मॉलर फंड्स. आई अगेन रिपीट गाइस, अ फंड ऑफ फंड इज़ अ फंड दैट इन्वेस्ट इन स्मॉलर फंड्स, ये इसकी परिभाषा है. ऑल राइट तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको इसी का, हम आपको दिखाते हैं इसी का ओके इसके पहले का. वन मिनट यानी फिर हैंग हो गया भैया. ओके तो चलिए दिखा दें आपको इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट जो कि ये रहा आपके सामने. द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड जो आपका ये फंड है बेसिकली इट विल इन्वेस्ट अराउंड 2 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड जो कि एक लॉन्ग टर्म आपका फंड होगा. एंड यहाँ पर दो ऑलरेडी फंड्स हैं, द NIIF मास्टर फंड विच इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द कंपनीज एंड अ फंड ऑफ फंड्स दैट इन्वेस्ट इन अदर फंड्स. अब आपका थर्ड फंड होगा जो कि 2 बिलियन यूएस डॉलर्स का होगा. दोस्तों यहाँ पर ज़रा मार्क कर दीजिएगा NIIF के अंदर जहाँ पर कि ऑलरेडी आपके सामने दिया हुआ है, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज़ अ फंड क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनहैंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. इट इज़ एनविसाज्ड फॉर अ फंड ऑफ फंड्स विद द एबिलिटी टू मेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इफ रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो टू इन्वेस्ट इन भी रजिस्टर्ड फंड्स. तो दोस्तों यहां पर बहुत ही सिंपल सी खबर आपके सामने आ रही है कि जो आपका NIIF है बेसिकली ये आपका फंड ऑफ फंड्स है एंड ये बेसिकली या तो डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा या फिर ये आपका इन्वेस्ट करेगा इन दी कंपनी इटसेल्फ. ऑलराइट तो ये है आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. ज़रा वापस स्क्रीन पे आ चुके हैं, एक बार ज़रा कमेंट्स में डाल दीजिएगा यहाँ तक अगर कोई डाउट है, एक बार बता दीजिएगा, नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी अगली खबर पर. ऑलराइट तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज पर जो कि ये रही अब आपके सामने. ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज गाइस. ओके तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और ये रही आपके सामने नेक्स्ट इमेज. सॉफ्ट बैंक इन्वेस्ट इन पॉलिसी बाज़ार, बहुत ही आसान सी खबर है दोस्तों. यहाँ पर जो कंपनी है उसका नाम दोस्तों है दी ई टेक एसिस मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी विच बेसिकली ओन्स पॉलिसी बाज़ार डॉट कॉम एंड उसने करीब 200 मिलियन रेज किए हैं फ्रॉम सॉफ्ट बैंक विजन फंड. तो बहुत ही सिंपल सी यहाँ पर दोस्तों खबर है कि जो सॉफ्ट बैंक कंपनी है उसने इन्वेस्ट किया है इन पॉलिसी बाज़ार. पॉलिसी बाज़ार इज़ फेमस फॉर ऑफरिंग इंश्योरेंस स्कीम्स, ऑफरिंग यूलिप्स, ऑफरिंग म्यूचुअल फंड. मेरा भी खुद का यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड है तो ऑब्वियसली बात है
यहाँ पर सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्ट किया है इन द पॉलिसी बाज़ार। अब आपको यहाँ पर मुझे बताना है कि सॉफ्ट बैंक कंपनी कहाँ की है एंड हु इज़ द करेंट हेड ऑफ सॉफ्ट बैंक, दैट इज़ माई क्वेश्चन गाइज, कि फ्रॉम विच कंट्री डज सॉफ्ट बैंक बिलोंग एंड सॉफ्ट बैंक के अध्यक्ष कौन है। वेल इट्स अ जापानीज कंपनी एंड द फाउंडर इज़ मासायोशी सोन एंड बेसिकली ये जो कंपनी है ये आपकी इस्टेब्लिश हुई है 1981 में। सो देर आर थ्री थिंग्स, सॉफ्ट बैंक बेसिकली इज़ अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ जापान, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं बेसिकली वो आपके टोक्यो में है इन जापान, नंबर वन। नंबर टू, द हेड इज़ मासायोशी सोन एंड इसका इस्टेब्लिशमेंट है आपका इन द ईयर 1981। सिमिलरली पॉलिसी बाज़ार जो है, जो कि ऑलरेडी आप यहाँ पर इसके बारे में देख चुके हैं, दैट इज़ बेसिकली अ कंपनी दैट इज़ बेस्ड आउट ऑफ इंडिया एंड इस कंपनी में निवेश किया गया है बाय सॉफ्ट बैंक विजन फंड। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स फोकस ऑन आर हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट। पर उससे पहले दोस्तों ये रहा आपके सामने नेक्स्ट हमारा हेडलाइन, जहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि दीपिका पल्लिकल, बेसिकली शी इज़ एन आर्चर बाय प्रोफेशन एंड शी इज़ अ फोर टाइम वर्ल्ड कप फाइनल सिल्वर मेडलिस्ट। शी हैज़ बीटन जर्मनीज मिशेल क्रोपेन 7-3 टू विन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन सिंगल्स रिकर्व इवेंट एट द वर्ल्ड कप स्टेज 3 हियर ऑन मंडे। सॉल्ट लेक सिटी जो कि कोलकाता में है, वहाँ पर इन्होंने जीता गोल्ड मेडल बाय बीटिंग द जर्मन आर्चर मिशेल क्रोपेन 7-3 एंड किसी के साथ इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल ऑलरेडी जीत लिया है। नाउ दोस्तों दिस मेडल कम्स आफ्टर 6 ईयर्स बिकॉज 6 साल पहले इन्होंने इन पे लास्ट विक्ट्री की थी एंड ये इनके लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस है एंड शी हैज़ क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल्स इन सैमसन टर्की। तो बहुत ही आसान सी खबर है दोस्तों कि दीपिका पल्लिकल हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द स्टेज 3 इवेंट ऑफ वर्ल्ड कप हेल्ड इन कोलकाता सॉल्ट लेक सिटी एंड सॉरी दीपिका कुमारी, माफ करिएगा मेरा दिन ही खराब है, दीपिका कुमारी नाम है इनका, पल्लिकल तो कुछ और खेलती हैं। तो दीपिका कुमारी जी जो हैं उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल एंड इसी के साथ शी इज़ अ पार्टिसिपेंट ऑफ द फाइनल्स ऑफ एट द वर्ल्ड कप फाइनल्स इन सैमसन टर्की, जहां पर आपके फाइनल्स होंगे। मतलब लोग जग जाहिर कर देंगे गलती मेरे से हुई है, हाँ बिल्कुल मेरी माँ दीपिका कुमारी इसका सही है, दीपिका पल्लिकल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट हेडलाइन जो कि ये रही आपके सामने। लेजेंडरी फोटोग्राफर डेविड गोल्डबार्ट हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज साउथ अफ्रीकन बाय बर्थ एंड ही वॉज नोन फॉर हैविंग लेजेंडरी फोटोग्राफ्स इन मीडिया एंड ऑल्सो ऑफ द म्यूजियम्स अराउंड द वर्ल्ड एंड ही हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87। तो एक मशहूर फोटोग्राफर हैं जिनका नाम है डेविड गोल्डब्लैट एंड ही हैज़ बेसिकली पास्ड अवे एंड ही वाज 87 इयर्स ऑफ एज। तो सवाल यहाँ बनेगा कि डेविड गोल्डब्लैट वाज अ फेमस एंड द आंसर विल बी ही वाज अ फेमस फोटोग्राफर। ऑलराइट, चलिए बिल्कुल रमेश बाराजी आप सही कह रहे हैं कि पल्लिकल जी जो हैं वो स्क्वाश प्लेयर हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, चेस नहीं खेलती हैं वो स्क्वाश प्लेयर हैं। इतना भी अमन आनंद में गया गुजरा नहीं हूँ, आई नो व्हाट पीपल प्ले। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ले चलते हैं आपको हमारी अदर हेडलाइंस पर और ये है आपके सामने अदर हेडलाइंस गाइस। सो आई होप एवरी वन इज़ रेडी फॉर द अदर हेडलाइंस एंड ये रही आपके सामने द फर्स्ट हेडलाइन गाइस। इंडिया एंड क्यूबा, जो इंडिया एंड क्यूबा हैं उन्होंने दो MOUs साइन किए हैं। उनमें पहला जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन मेडिसिन एंड द सेकेंड वन इज़ बेस्ड ऑन बायोटेक। तो इंडिया हैज़ साइन 2 MOUs विद क्यूबा टू एनहांस कोऑपरेशन इन बायोटेक एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। द MOUs वर साइन बिटवीन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंड हिज क्यूबन काउंटर पार्ट मिगेल मारियो डियास कनेल इन हवाना क्यूबा, वहाँ पर इन्होंने इनके साथ टाई अप किया था। ऑल राइट, एंड ये दो MOUs हैं। MOU का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली इट्स एन अग्रीमेंट, इट्स अ रिटन अग्रीमेंट इन विच वी बेसिकली वन सेकेंड ओके इन विच वी वन मिनट यस इन विच वी बेसिकली अग्री ऑन सर्टन कंडीशंस। ये एक रिटन अग्रीमेंट होता है आपका, जिनमें पहला है आपका ऑन मेडिसिन एंड द अदर वन गाइस इज़ ऑन बायोटेक्नोलॉजी। तो उनमें ये आपका हुआ है। क्यूबा का जो कैपिटल है वो आपका हवाना है एंड क्यूबा का जो करेंसी है वो आपका पेसो। बिल्कुल ही आप यहाँ पर सही कह रहे हैं। ऑल राइट,
कुमार सत्यम जी बिल्कुल इतनी हेडलाइन थी, माँ कसम बता रहा हूँ इतनी हेडलाइन थी आज, कल 10 थी तो आज 5-6 थी, तो मैं क्या कर लूँ सर, अब आपको भरोसा है कर लो भाई अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट हेडलाइन है दोस्तों, जो कि ये रही अब आपके सामने। प्राइम मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ ई श्रीधरन कमिटी टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर मेट्रो रेल सिस्टम्स। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने अप्रूव किया है कि वो मेट्रो रेल सिस्टम्स के लिए स्टैंडर्ड्स बनाएंगे एंड उसके लिए उन्होंने एक कमिटी बनाई, जिस कमिटी के अध्यक्ष हैं द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, जिनका नाम दोस्तों है ई श्रीधरन। ऑल राइट, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द मेट्रो मैन एंड इन्होंने दिल्ली मेट्रो इंक्लूडिंग लखनऊ मेट्रो, कई सारी मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, कई मेट्रोज को इन्होंने खुद से सुपरवाइज किया है। सो द कमिटी विल बी हेडेड बाय ई श्रीधरन, फेमसली नोन एज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया एंड विल प्रोवाइड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर कटिंग कॉस्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ मेट्रो सिस्टम्स इन द कंट्री। तो उसके लिए यहाँ पर ये काम किया गया है। तो बहुत ही सिंपल सी दोस्तों यहाँ पर खबर है कि ई श्रीधरन जो हैं उनको बनाया गया अध्यक्ष फॉर लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर मेट्रो रेल सिस्टम्स। यहाँ तक अगर खबर ठीक है एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए। भूमि इंगले, स्टैंडर्ड्स मीन्स मानक, इट मीन्स पैरामीटर्स ऑन विच समथिंग इज बेस्ड, सो दे विल बी मिनिमम पैरामीटर्स जिस पर कि बेस किया जाएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए अगर क्लियर है, आप शो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है शो। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट सिटी विद मेट्रो इज कोलकाता ऑफकोर्स। चलिए नेक्स्ट हेडलाइन पे चलते हैं जो कि ये रही अब आपके सामने। गवर्नमेंट इज टेस्टिंग बिग डाटा, बिग डाटा इज अक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमंगस डाटा फॉर ईजी एक्सेस। बहुत बड़ा डाटा को हम छोटे में कंजर्व करते हैं जिससे कि वी कैन यूज इट इन द फ्यूचर। सो गवर्नमेंट इज टेस्टिंग बिग डाटा सिस्टम्स टू एड बैंक्स असेस क्रेडिट रिस्क। Now, what is a credit risk? Credit risk is basically the risk of loans, the risk of advances, the risk of money given to the other people. So, ye aapka hota hai a credit risk. So, the government is testing big data systems to aid bank assess credit risk. Wo yahan par kaha gaya hai. The system is expected to help lenders, particularly rural and cooperative banks, tackle the issue. Basically, जो NPA का issue है, especially जो आपके rural banks हैं, जो cooperative banks हैं, उनके लिए and साथ ही साथ जो bank की quantity, जो risk है, उसको quantify करने के लिए, कितना risk है bank के पास credit का, उसको देखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। So basically guys, उसके लिए big data system use किया जाएगा। Big data is when terabytes of data is stored in small bits is basically stored for future usage. तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया है, तो big data system जो है उसको government test कर रही है to aid bank assess credit risk. और बहुत सिंपल सी खबर है कि द मेन फोकस ऑफ दिस हेड ऑफ दिस सिस्टम विल बी द रूरल द रीजन रूरल बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स पर से। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर। वॉर वाइन एंड वंडर्स, अ रेस टू यूनेस्को हेरिटेज साइट। ये खबर कल की थी और कल हम इस खबर को बता नहीं पाए थे। वेल प्रीति शर्मा, अभी तक अध्यक्ष कोई नहीं बने हैं आपका, बिल्कुल वर्षा, यस इट इज़ रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अभी इसके फिलहाल कोई हेड नहीं है। ऑल राइट, तो सब लोग BBM शो को रेस्ट इन पीस कह रहे हैं, भाई मैं ले आऊँगा, बिल्कुल ले आऊँगा, आपके एग्ज़ाम से पहले ले आऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे, आप बिल्कुल भी ये मत लिखें। चलिए, सो देर आर साइट्स, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिमेट्रीज, द आर्ट डेको साइट इन मुंबई, द इटलीज वाइन प्रोड्यूसिंग प्रोसेस्को एंड देन वी हैव दीज आर द साइट जिनको कि जो 30 साइट्स हैं जो विच आर रनिंग फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसके लिए बेसिकली ये किया गया है। तो उनमें इंडिया की जो आर्ट डेको हेरिटेज साइट है मुंबई की, वो भी यहाँ पर की गई है। एंड इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज और इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट, इट बिकम्स अ मेजर बून फॉर फॉर आउटस्टैंडिंग वैल्यू एंड टूरिज्म बढ़ता है, साथ ही साथ फंडिंग भी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो बहुत ही यहाँ पर सिंपल सी खबर है दोस्तों कि जो इंडिया की आर्ट डेको साइट है, फर्स्ट वॉर सिमेट्रीज हैं या इटली की वाइन प्रोसेसिंग प्रोसेस्को हिल्स हैं, वो सब आपकी टॉप 30 में आई एंड इसको आगे चलकर ये दीज कैन बी ए पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऑल राइट, यूनेस्को का फुल फॉर्म मुझे उम्मीद है सबको पता होगा, उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके पेरिस में हैं। थैंक यू सो मच अक्षत फॉर 20 रुपीज़, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऑल राइट,
चलिए आगे बढ़ें और आपके सामने ले चलें हमारी अगली इमेज पर, जो कि है हमारी आज की केस स्टडी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी केस स्टडी पर, और ये रहा आपके सामने द फर्स्ट केस स्टडी गाइस, सूर्य शक्ति किसान योजना। आइए इस योजना की आपके सामने बात कर लेते हैं। ऑल राइट, दिस योजना हैज़ बीन स्टार्टेड इन गुजरात, नंबर वन। Number two, the farmers would be encouraged to generate electricity and sell their surplus power to distribution companies. तो बहुत ही सिंपल सी खबर है दोस्तों कि सूर्य शक्ति किसान योजना इज़ एन योजना स्पेशली फॉर द फार्मर्स, फार्मर्स के लिए आपकी योजना है, जहाँ पर द फार्मर्स विल बी अलाउड टू सप्लाई सरप्लस बिजली टू द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, एंड इसके लिए द गवर्नमेंट विल शेयर 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ सोलर जनरेशन यूनिट, whereas the farmer has to only chip in the 5%, the remaining 35% will be given by a loan by the state government with the rate of 4.5%. तो सूर्य शक्ति किसान योजना दोस्तों ये लॉन्च हुआ है आपका इन गुजरात, नंबर वन। नंबर टू, इससे इंकरेज किया जाएगा फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, नंबर वन। नंबर टू, द सोलर प्लांट्स विल बी इंस्टॉल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 60% फंडिंग विल बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 35% विल बी गिवन एज अ अमाउंट ऑफ लोन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द फार्मर्स, एंड जिसका इंटरेस्ट रेट होगा अराउंड 4 to 4.5%। तो सरप्लस बिजली की उम्मीद यहाँ पर की गई है। द गवर्नमेंट वुड एंटर ऑल्सो इन अ 25-year पावर परचेज अग्रीमेंट, मतलब जब उनको वो देगा तो 25 साल तक पावर सप्लाई वो प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल चंचल सिंह, ये पावर सप्लाई के लिए ही यहाँ पर किया गया है। तो बहुत ही सिंपल सी ही हेडलाइन है, सूर्य शक्ति किसान योजना। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप आंसर देंगे, सूर्य शक्ति किसान योजना इज एन योजना स्टार्ट इन गुजरात इन विच सोलर प्लांट विल बी सेट अप इन द स्टेट and surplus bijli will be provided to the power companies, 60% will be provided funding will be provided by state central government and 35% loan diya jayega state government dwara and 5% hi aapko sirf kisan ko fund karna hai। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। अच्छा, एक सवाल आ रहा है कुमार सत्यम का, चिप मतलब 5% ही प्रोवाइड करेगा, बाकी वो प्रोवाइड नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट हेडलाइन, जो कि ये रही आपके सामने दोस्तों। ना ये जो वर्ड है ये कई बार न्यूज़ में रहा है, ये हर बार एग्ज़ाम में आता है, जो कि है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका फुल फॉर्म है AIIB। नाउ दिस इज़ अ हेडलाइन जो कि कई बार आपकी एग्ज़ाम में भी रहती है। Now guys, AIIB is an investment bank. It's a multilateral investment bank, development bank. It has been set up in the year 2016 and it is headquartered in Beijing. इसके तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके तीन ऑर्गन्स हैं। पहला है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, विच कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर फ्रॉम अ कंट्री एंड ऑल्सो वन ऑल्टरनेट गवर्नर। Then we have the board of directors which are from abroad, those are non-resident directors which are responsible for the general operations of the bank, and then we have the international advisory panel which is established to provide support to the president and the senior management. Bahar ye news mein isliye bhi hai kyunki India pehli baar iski jo annual meeting hai usko wo held kara raha hai, it is basically hosting the annual meeting of AIIB for the very first time, jo ki is mahine जून में आपकी हो रही है। जीन लुकुन इसके प्रेसिडेंट हैं, कल ही मैंने बताया था आपको, और मल्टीलैटरल मींस फॉर मल्टीपल पर्पसेस एंड फॉर मल्टीपल कंट्रीज। ऑलराइट, तो बहुत ही आसान सी खबर है कि AIIB दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। यहां तक अगर कोई डाउट है मुझसे एक बार पूछ लीजिएगा, अगर डाउट नहीं है एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए, यस सर वी हैव नो डाउट व्हाट्स एवर, ताकि हम अपनी खबर पर आगे बढ़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर, जो कि ये रही आपके सामने। देयर इज़ अ स्पेसक्राफ्ट बाय द नेम रिमूव डेब्रिस, ऑलराइट, एंड इसका मेन काम है टू रिमूव डेब्रिस फ्रॉम द आउटर स्पेस एंड ऑल्सो एंड स्पेशली फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो जो स्पेस डेब्री है, जो स्पेस वेस्ट है, उसको रिमूव करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट बना, उसका नाम है रिमूव डेब्री। बेसिकली इट्स अ प्रोजेक्ट जो इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या फिर जो स्पेस में डेब्री है उसको रिमूव यहां पर किया जाएगा। रिमूव डेब्री इज़ बेसिकली अ ईयू दैट इज़ यूरोपियन यूनियन रिसर्च प्रोजेक्ट टू डेवलप
develop and fly a low-cost in-orbit demonstrator, which will aim to de-risk and verify technologies needed to for future ADR. मतलब कैसे जो debris है, जो आपका wastage है, उसको हटाया जाए. And इसके लिए एक micro satellite है, remove sat, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा. तो मैं फिर से repeat कर दूँ आपके लिए guys, remove debris is a project. It's basically a satellite project that will use satellites that will use technologies for removing debris from the outer space. Debris means wastage, जो space waste है, जो space में कूड़ा हमने डाल रखा है आप अपनी machine से, उसको हटाने के लिए हम किया जाएगा. बिल्कुल पूजा जी, debris मतलब मलबा भी कहते हैं, जो मलबा है, जो wastage है, उसको यहाँ से हटाया जाएगा. Alright, and उसका जो नाम है वो है आपका remove debris. कुलदीप सिंह गहलोत, ये वेस्टेज यूँ नहीं है मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, ये एग्जाम में आती है. साइंस एंड टेक में अगर आ गया ना तो सर पकड़े रहोगे इसे. सो कभी मत कहना वेस्टेज है, हर न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एंड ये यूपीएससी लेवल तक में भी आती है. तो ऑल राइट, तो डेबरी बेसिकली मीन्स मलबा, बेसिकली इट मीन्स वेस्टेज, एंड स्पेस डेबरी मीन्स स्पेस वेस्टेज. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ले चलते हैं हमारी अगली खबर पर, जो कि ये रही आपके सामने, जो कि हमारी आज की आखिरी खबर भी है. चिलिका लेक, the airports authority of India has processed, has proposed to start to set up a water aerodrome in Chilika. मतलब चिलिका लेक पर लैंड करेगा आपका एयरक्राफ्ट, ऐसा सेटअप किया है by the airport authority of India. All right, and this is for the very first time ऐसा हो रहा है चिलिका लेक पे. अगर हम चिलिका लेक की बात करें, चिलिका लेक basically is a coastal lagoon. It is India's largest coastal lagoon and दुनिया का second है after the New Caledonian Barrier Reef in New Caledonia. And Chilika was also the first Ramsar site. Ramsar site is basically for ecological importance. तो ecological महत्व के लिए जो भारत की पहली site थी, उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है. That is basically the Chilika Lake. तो बहुत ही आसान सी खबर दोस्तों. अगर आपको शो पसंद आ रहा है तो शो को लगातार बदस्तूर लाइक करते रहिएगा. हाँ अविनाश जी, कल ये खबर थी पर कल मिस हो गया मेरे से, इसलिए इस खबर को हम आज डिस्कस कर रहे हैं अविनाश. ऑल राइट, तो बहुत ही सिंपल सी खबर है कि द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इट इज़ प्रपोजिंग सेट अप अ वाटर एरोड्रोम इन चिलिका लेक इट्सेल्फ. ऑल राइट, ये हमारी आज की खबर थी. चलिए तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपको ले चलते हैं हमारी आज की आखिरी इमेज पर, जो कि ये रही आपके सामने. बी अराउंड पीपल दैट मेक यू वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन, हु मेक यू फील गुड, make you laugh and remind you what's important in life. उनके साथ रहिए जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए, जो आपको हमेशा अच्छा फील कराएं, जो आप जो इनके साथ आप हंस सकते हैं, एंड ऐसे लोग जो बताते हैं आपको कि लाइफ का इम्पोर्टेंस यहाँ पर क्या है. ऑल राइट, सो आ जाने से पहले दोस्तों एक बार ज़रा दिखा दें, हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है. राधे सर एंड अमित पांडे सर, दे आर कमिंग अप विद अ न्यू बैच ऑफ सॉर्ट्स, और वो बैच आपका स्टार्ट हो रहा है आज दिन में 3 बजे. तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, दे कैन अवेल दिस बैच एंड उसके लिए जा सकते हैं टू स्टोर .247.com, या फिर दे कैन कॉल अस आफ्टर 10 AM एट 8750016167, वहाँ पर भी वो जा सकते हैं. तो चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं. माही जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आपसे उम्मीद नहीं थी, आप बिल्कुल बताइएगा कि ऐसा उम्मीद नहीं है. बाकी हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे हम डिस्क्रिप्शन में इस शो के बाद. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ अस. बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइज़.